हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ सिलोजियम। सिलोजियम पे अभी 2021 के अंदर 3 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हुए थे। दैट मींस कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सिलोजियम के अंदर से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे सिलोजियम पे। प्लीज सभी ने मेरे साथ साथ क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व करना है और ये देखना है कि कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो। ओके, सो करते हैं स्टार्ट। हाँ जी, जिन स्टूडेंट्स ने क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है वो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स अवेलेबल है अभी अभिपीडिया की तरफ से, स्पेशल क्रैश कोर्स अवेलेबल है बिकॉज टाइम की लिमिटेशन है अभी। तो सभी स्टूडेंट्स जो ज्वाइन करना चाहते हैं दे कैन ज्वाइन, एंड द स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर टेस्ट सीरीज दे कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, तो एक बार पोर्टल पे जाएंगे। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, फिर भी अभिपीडिया.अभिमन्यु के पोर्टल पे जाके आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो स्टार्ट कर रहे हैं अभी। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके पास, क्या है? कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, कंक्लूजन गिवन है और ऑप्शन। अब जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो वैसे तो दो मेथड होते हैं, एक तो वेन डायग्राम के बेस पे आप करते हो, ठीक है, और दूसरा 50-100 के मेथड से आप करते हो। तो जो 50-100 का मेथड है उसकी कहीं ना कहीं जाके एक लिमिटेशन आ जाती है और उसके बाद में आपको फाइनली वेन डायग्राम पे मूव करना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको वेन डायग्राम से ही करवा रही हूँ। ओके, क्योंकि वेन डायग्राम का अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो वेन डायग्राम पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। वेन डायग्राम के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो सभी क्वेश्चंस वेन डायग्राम से डिस्कस करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या, ऑल रिवर्स आर वाटर, ऑल रिवर्स आर वाटर। तो अब यहाँ पे जैसे ही मुझे पता चला कि भी ऑल का है तो हम क्या करेंगे, ऑल रिवर्स आर वाटर। ऑल, ऑल क्या कहता है, दैट मीन्स कि जहां पे भी वेरिएबल के साथ में आ रहा है ऑल, उसको हमने क्या करना है, इनसाइड ड्रॉ करना है। ओके, सम वाटर आर साल्ट, सम, सम मीन्स कुछ पार्ट, सम वाटर आर साल्ट, डन। आगे क्या गिवन है, ऑल सी इज साल्ट, ऑल सी इज साल्ट, दैट मीन्स कि आर के साथ में क्या आ रहा है, सी, दैट मीन्स कि सी का सर्कल जो साल्ट का सर्कल है उसके अंदर बनेगा। तो यहां पे ही आपके पास में आ गया बेटा सी, डन। अब हमारा डायग्राम रेडी है, अब हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। कंक्लूजन क्या है, ऑल रिवर्स आर साल्ट। अब ये रिवर है और ये साल्ट है। जो डायग्राम आपके पास में आप ड्रॉ करते हो वो आपका फैक्ट बेस्ड डायग्राम होता है, फैक्ट बेस्ड डायग्राम, दैट मींस कि इसके बेस पे जो फैक्ट वाले कंक्लूजन है उसका आप डायरेक्टली आंसर करोगे। ओके, पॉसिबिलिटी डायग्राम के लिए आपको पॉसिबिलिटी डायग्राम करेंगे। तो अभी पहले ये फैक्ट था, फैक्ट पे ही कंक्लूजन है, पहले इसको समझ लेंगे। तो यहाँ पे उसने क्या कहा है कि ऑल रिवर आर साल्ट। अभी मैंने आपको क्या बताया, ऑल का मीनिंग क्या हो गया कि ऑल के साथ में जो वेरिएबल गिवन है वो अंदर होना चाहिए इसके। तो अब यहाँ पे देखो, अब रिवर यहाँ पे है और सॉल्ट यहाँ पे, ये तो कहीं पे कुछ भी नहीं मैच हो रहा, दैट मीन्स कि सम का भी नहीं बन रहा, तो ये तो अपना गलत हो गया। ऑल और सम दोनों केसेज में ये रोंग हो गया, अगर यहाँ पे सम होता तो भी रोंग हो जाना था। ओके, दूसरा क्या है, हाँ जी, दूसरा है आपके पास में सम सॉल्ट इज वाटर। हाँ जी, क्लियर है सभी को, सम सॉल्ट इज वाटर। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये सॉल्ट है, ये वाटर है, इनके बीच में ये वाला पार्ट कॉमन है, जो पार्ट दोनों के बीच में कॉमन है दैट मींस कि सम यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो आंसर क्या आ गया अपने पास में, ये आ गया। तो आंसर आ जाएगा आपके पास ओनली टू फॉलोज, ओनली टू फॉलोज। क्लियर है सभी को, कोई इसके अंदर डाउट आ रहा हो? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सम हैन आर पीकॉक, सम हैन आर पीकॉक, सम पीकॉक आर क्रो, नो क्रो इज पैरेट। अब कंक्लूजन के अंदर आ गया पॉसिबिलिटी, अभी मैंने आपको बताया पॉसिबिलिटी का भी कराऊंगी। तो अब यहाँ पे देखो क्या, पहले सबसे पहले जब भी आप डायग्राम ड्रॉ करते हो, वेन डायग्राम ड्रॉ करते हो, तो वहां पे आपने ध्यान रखना है फैक्ट बेस्ड डायग्राम होना चाहिए आपका, ठीक है। क्या है, सम हैन आर पीकॉक, सम हैन आर पीकॉक, क्लियर। उसके बाद में क्या कह रहे, सम पीकॉक आर क्रो, सम पीकॉक आर क्रो, ये पीकॉक है, दिस इज क्रो, नो क्रो इज पैरेट, नो क्रो इज पैरेट, नो दैट मींस कि इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, दिस इज योर वेन डायग्राम। नाउ कम ऑन द कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या, ऑल हैन
बीइंग पैरेट इज ए पॉसिबिलिटी। अब जब पॉसिबिलिटी के केस में ना कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि पॉसिबिलिटी वाला तो हमेशा ही सही होगा, ऐसा नहीं है। जब पॉसिबिलिटी आपने चेक करनी है तो उस केस में आप क्या करोगे कि जो आपके पास कंक्लूजन गिवन है उसको आप आपके फैक्ट के अंदर रखो और ये देखो कि मेरी कोई गिवन स्टेटमेंट रोंग तो नहीं जा रही। ओके, अगर मेरी गिवन स्टेटमेंट रोंग नहीं जा रही है और जो मैंने ड्रॉ किया है वो दोनों मैच कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो पॉसिबिलिटी ट्रू रहेगी। अगर रोंग जा रही है कोई स्टेटमेंट तो पॉसिबिलिटी रोंग हो जाएगी। क्लियर? कैसे? अब यहाँ पे देखिए, हमने क्या देखा, क्या था आपके पास, ऑल हैन बींग पैरेट इज ए पॉसिबिलिटी, मीन्स की हैन क्या कह रहा है, पैरेट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑल हैन बींग पैरेट मीन्स हैन का जो हमारा सर्कल है ये कह रहा है कि भी पैरेट के सर्कल के अंदर होना चाहिए, ये पैरेट। ओके, अब हम अपनी स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं, क्या मेरी स्टेटमेंट्स इस पैरेट को यहाँ पे ड्रॉ करने की बजाय अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ तो मेरी स्टेटमेंट कोई रोंग तो नहीं हो रही। देखते हैं, पहला था सम हैन आर पिकॉक, सम हैन आर पिकॉक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सम पिकॉक आर क्रो, सम पिकॉक आर क्रो, ये भी सही है। नो क्रो इज पैरेट, नो क्रो इज पैरेट, अब क्रो यहाँ पे है, पैरेट यहाँ पे, दोनों के बीच में आप देख रहे हो कि कोई भी लिंक नहीं बन रहा, ये दूर दूर है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे, दूर दूर है दोनों के दोनों, दैट मीन्स कि ये भी ट्रू जा रहा है, दो सारे ट्रू जा रहे हैं, दैट मीन्स कि ये पॉसिबिलिटी क्या होगी आपके पास, ट्रू होगी। पॉइंट क्लियर है? पॉसिबिलिटी का कैसे चेक करेंगे हम, पॉसिबिलिटी के लिए अलग से डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आपने जो डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है उसी डायग्राम के अंदर जो आपके पास कंक्लूजन है उसको एज इट इज पुट कर दो, कर दिया। उसके बाद देखो कि कोई कोई स्टेटमेंट मेरी रोंग तो नहीं जा रही इसकी वजह से। ठीक है, अगर रोंग जा रही है तो पॉसिबिलिटी रोंग हो जाएगी, अगर करेक्ट जा रही है तो पॉसिबिलिटी करेक्ट रहेगी। क्लियर? हाँ जी, अब आते हैं हम सेकंड पे, तो ये पहला ठीक हो गया आपका। सेकंड क्या है, एट लीस्ट सम पीकॉक इज पैरेट, सम पीकॉक इज पैरेट। अब यहां पे देखो जो दूसरे वाला है ऑप्शन, ये फैक्ट पे बेस्ड है, दैट मीन्स की जो फैक्ट वाला डायग्राम था वहां पर चेक करेंगे, फैक्ट वाले डायग्राम के अंदर ये सब तो नहीं था हमारा। अब यहाँ पे देखिए, एटलीस्ट सम पीकॉक एंड पैरेट, पीकॉक यहाँ पे है बेटा, पैरेट यहाँ पे, दोनों के बीच में हमें नहीं पता कि पीकॉक पैरेट है कुछ या फिर नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि एटलीस्ट कह रहा है कुछ तो होंगे ही होंगे, बट यहां से तो मुझे नहीं पता चल रहा कि हाँ जी होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या हो गया, ये रोंग हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ओनली फर्स्ट फॉलोस। क्लियर? कोई डाउट आ रहा, अगर कोई डाउट आता कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करेंगे, सिलोजियम इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन के साथ साथ में उसको डिटेल में मैं समझा रही हूं आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए, कह रहा ऑल रिंग्स आर ब्रेसलेट, ऑल रिंग्स आर ब्रेसलेट्स, ये रिंग है एंड दिस इज ब्रेसलेट, All bracelets are stone. That means कि bracelet का सर्कल अंदर आएगा किसके, स्टोन के। दोबारा ड्रॉ करते हैं इसको, आराम से करते हैं बेटा। Yes, this is stone. No stone is bangle. No stone is bangle. No stone is bangle. अब एक बात का ध्यान रखो, अगर आपके पास में दो तीन सर्कल बन रहे हैं इस तरह से और आउटर सर्कल के साथ में किसी का रिलेशन नो का है तो ऑटोमेटिकली जो इनर सर्कल है उनके साथ भी उसका रिलेशन नो का हो जाता है। दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे कहूँ क्या है, नो स्टोन इज बैंगल। ठीक है, अब इसके अंदर ही ब्रेसलेट है, इसके अंदर ही रिंग है, दैट मीन्स कि नो रिंग इज बैंगल, नो ब्रेसलेट इज बैंगल। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, ये ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके बाद में देखो क्या है, कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं, कह रहा ऑल रिंग्स आर बैंगल, सारे की सारी रिंग्स बैंगल। अब ये रिंग है और ये बैंगल है, अभी मैंने क्या बताया, ये अंदर वाला जब बाहर वाला सर्कल के साथ में हम देख रहे हैं कि इसका कोई रिलेशन नहीं है, नो का रिलेशन बन रहा है, दैट मीन्स कि अंदर वाले के लिए भी नो रहेगा, दैट मीन्स कि पहले वाला तो रॉन्ग हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, सम ब्रेसलेट आर नॉट स्टोन, सम ब्रेसलेट आर नॉट स्टोन, अब ये ब्रेसलेट है ठीक है और ये अपने पास में स्टोन है। अब ब्रेसलेट और स्टोन के बीच में देखो, ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये वाला, ये ब्रेसलेट का पार्ट है, ये पूरे का पूरा, ये किसके अंदर है, स्टोन के अंदर है, दैट मींस कि कुछ पार्ट तो दोनों, ये वाला जो पार्ट है हमारा ये दोनों में कॉमन है, किसमें, ब्रेसलेट और स्टोन के अंदर। और ये यहाँ पे क्या कह रहा है, सम ब्रेसलेट आर नॉट स्टोन, दैट मीन्स कि क्या हो गया अपने पास में, रॉन्ग हो गया। क्लियर? मीन्स आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, नीदर वन नोर टू फॉलोज,
वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि यहाँ पे आप ध्यान रखो कि जिनके यहाँ पे ब्रेसलेट और स्टोन की बात हो रही है, ब्रेसलेट और स्टोन के बीच में जो हमारे पास में रिलेशन गिवन है ऑल आर पॉजिटिव, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं। और अगर हमारे पास में पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं आएगा, आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप उसको रॉन्ग कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ऑल ब्लू आर ब्लैक, ऑल ब्लू आर ब्लैक, आगे क्या गिवन है, सम ब्लैक आर रेड, सम ब्लैक आर रेड, ये ब्लैक है, सम का रिलेशन है बेटा, सम दैट मीन्स कि कुछ पार्ट को हम कॉमन कर देंगे। थर्ड स्टेटमेंट आपके पास, नो रेड इज व्हाइट, नो रेड इज व्हाइट, अब रेड ये है, व्हाइट के साथ में उसने क्या कहा कि नो का रिलेशन, मीन्स इन दोनों के बीच में एक तरह से कोई भी रिलेशन नहीं है, डन। अब हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ, कंक्लूजन क्या है, सम ब्लैक इज नॉट व्हाइट, सम ब्लैक इज नॉट व्हाइट, अब हमने देखा ये ब्लैक वाला पार्ट है, ठीक है, अब ब्लैक और रेड के बीच में ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है, और उसने क्या कहा कि ये जो पूरे का पूरा रेड है, ये वाला जो रेड है ये व्हाइट नहीं है, अगर ये व्हाइट नहीं है दैट मीन्स कि ये वाला पार्ट ये भी व्हाइट नहीं है, दैट मीन्स कि सम ब्लैक इज नॉट व्हाइट, तो यहां पे क्या कह रहा है, सम ब्लैक इज नॉट व्हाइट, क्या हो गया आपके पास में, ट्रू हो गया, पॉइंट इज क्लियर। अब देखते हैं सेकंड क्या, सेकंड क्या है, ऑल ब्लू बीइंग व्हाइट इज ए पॉसिबिलिटी, अब देखो अगेन पॉसिबिलिटी का केस है, अगेन पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो इसलिए पॉसिबिलिटी पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, क्या कह रहा है, ऑल ब्लू बीइंग व्हाइट इज ए पॉसिबिलिटी, दैट मीन्स कि जो ब्लू वाला सर्कल है उस वो किसके अंदर आना चाहिए, व्हाइट के अंदर। अब हम करते हैं, व्हाइट कहाँ पे, ये है ऑल ब्लू बीइंग व्हाइट इज ए पॉसिबिलिटी, ये ब्लू है, ठीक है, अब उसने क्या कहा है कि ऑल ब्लू, ब्लू वाला पार्ट व्हाइट के अंदर आना चाहिए, तो हम व्हाइट का पार्ट अगर यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, मैंने ये जो रेड वाला सर्कल है ये व्हाइट को डिनोट कर रहा है पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं कि कोई हमारी स्टेटमेंट वायलेट तो नहीं हो रही है इसकी वजह से, चेक करते हैं, क्या था, ऑल ब्लू इज ब्लैक, अभी भी ऑल ब्लू इज ब्लैक है, सम ब्लैक इज रेड, अभी भी सम ब्लैक इज रेड है, नो रेड इज व्हाइट, अब देखो रेड यहाँ पे है हमारे पास में, व्हाइट हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, व्हाइट हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, अब व्हाइट और रेड दोनों अगेन कुछ भी पार्ट कॉमन नहीं है, दैट मीन्स कि ये भी चल रहा है हमारे पास में, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, दैट मीन्स कि ये भी हमारा ट्रू हो गया, क्लियर है, पॉसिबिलिटी वाला पार्ट समझ आ रहा है बेटा, कोई डाउट आ रहा हो किसी को, कोई भी डाउट आ रहा हो, मैं क्या कह रही हूँ, जहां पे जो अपना कंक्लूजन है उस कंक्लूजन को एक तरह से ड्रॉ कर लो, और ये देखो मेरी कोई स्टेटमेंट गिवन है, जो स्टेटमेंट है वो कोई वायलेट तो नहीं हो रही, अगर वायलेट नहीं हो रही है दैट मीन्स की पॉसिबिलिटी आपकी ट्रू रहेगी, डन, अगर वायलेट हो रही है दैट मीन्स की पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई, क्लियर, तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, दोनों सही है दैट मीन्स व्हाट की बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज, बी विल बी द करेक्ट आंसर, डन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास द ऑल लेग्स आर हैंड, ऑल लेग आर हैंड, ऑल हैंड्स आर फिंगर, ऑल हैंड्स आर फिंगर, सम फिंगर्स इज नी, सम फिंगर इज नी, हाँ जी डायग्राम ड्रॉ हो गया आपका, अभी देखिए क्या है कंक्लूजन, ऑल लेग आर नी, अब देखो लेग यहां पे है, नी यहां पे, ऑल का रिलेशन बन रहा है, ये तो दूर दूर हो गए, देखो ये देखिए बेटा लेग यहां पे है और नी यहां पे है, ठीक है, अब यहां से मुझे पता चल रहा है कि भाई दोनों के दोनों दूर दूर है, दोनों के दोनों दूर दूर हैं, और ये क्या कह रहा है, ऑल लेग्स आर नी, कह रहा है कि सारे के सारे लेग्स नी हैं, हम क्या कहेंगे, नहीं है, ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, सम लेग्स आर नॉट नी, कुछ लेग्स नहीं है, तो उस केस के अंदर अगेन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो समझने वाला है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसमें आपने ध्यान क्या देना है कि भाई हमारे पास में यहाँ पे भी लेग और नी दोनों की बात हो रही है, यहाँ पे भी लेग और नी दोनों की बात हो रही है, मैंने सिंगल सिंगल फैक्ट चेक किया, दोनों मेरे रोंग आ रहे हैं, दोनों रोंग आ रहे हैं, दोनों के वेरिएबल सेम है। अब उसको इस तरह से अपने माइंड में पढ़ो क्या कि ऑल लेग्स आर नी, सारे के सारे लेग्स नी है, या फिर
कुछ लेग्स नहीं है, तो हम ये कहेंगे हाँ यार दोनों में से एक बात तो हो ही सकती है, या तो सारे के सारे होंगे या फिर कुछ नहीं होंगे। देखो एक सिंपल सा, देखो एक नॉर्मल सा, देखो आप माइंड के अंदर कि क्या कहेंगे, सारे के सारे अपने से पूछा गया हाँ कि भाई सारे के सारे लेग्स नहीं है, हम क्या कहेंगे, नहीं सारी तो नहीं है, ठीक है ना, मुझे नहीं पता कि भाई सारी है या नहीं है, कुछ हो भी सकती है, मीन्स एक पॉसिबिलिटी साथ में लेके चल रहे हैं। इसी तरह से अगर हमसे पूछा गया सम लेग्स आर नॉट नी, तो मैं कहूंगी भाई मुझे नहीं पता, दूर दूर है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, सारी हो भी सकती है, समझ रहे हो। तो जब भी इस तरह का आता है कि हमें ये लगता है कि भाई दोनों में से एक बात हो सकती है, या तो ये होगा या तो ये होगा, तो उस केस में आंसर क्या करेंगे हम, इधर वन और टू फॉलोज, तो इधर और का केस बनेगा। इधर और के लिए हमें ध्यान रखना है क्या कि सिंगल सिंगल, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो सिंगल सिंगल स्टेटमेंट है वो सिंगल सिंगल कंक्लूजन क्या रहेगा, रोंग रहेगा, ठीक है, सिंगल सिंगल फैक्ट पे कंक्लूजन क्या रहेगा, रोंग रहेगा, बोथ वेरिएबल्स आर सेम, दोनों वेरिएबल सेम है, और साथ में क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है बेटा, वन इज पॉजिटिव वन इज नेगेटिव, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होनी चाहिए, एक स्टेटमेंट नेगेटिव होनी चाहिए, ओके, मींस हमारे पास में क्या बन जाता है, ऑल, एक में ऑल आ गया, दूसरे में क्या आ गया, सम नोट, ऑल एंड सम नोट, ठीक है, और दूसरा क्या आ गया आपके पास में, सम और नोट, क्लियर। अगर इसके अंदर से कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आपका बन रहा है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इधर और, पॉइंट इज क्लियर। इधर और में काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, आई होप क्लियर है सभी को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे अपने पास में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ट्री आर फ्लावर्स, नो फ्लावर इज फ्रूट, ऑल ब्रांचेस आर फ्रूट, अगेन थ्री स्टेटमेंट्स है। एक बात और चीज, जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स आ जाए, इट डजेंट मैटर, कितने मर्जी कंक्लूजन आ जाए, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली कर लोगे। यहां पे देखो ऑल ट्रीज आर फ्लावर्स, ओके, दूसरा क्या कह रहे हैं, नो फ्लावर इज फ्रूट, नो फ्लावर इज फ्रूट, थर्ड है ऑल ब्रांचेस आर फ्रूट्स, ऑल ब्रांचेस आर फ्रूट, दैट मीन्स कि ब्रांचेस का सर्कल आपका फ्रूट के सर्कल के अंदर बनेगा, क्लियर है। अब देखिए यहां पे आपके पास कंक्लूजन क्या है, सम ब्रांचेस आर ट्री, सम ब्रांचेस आर ट्री, अब देखो जब आउटर जो सर्कल है, ये आउटर सर्कल ये है, इसका आउटर सर्कल ये है, ठीक है, जब आउटर आउटर सर्कल के बीच में क्या है, नो है, दैट मींस व्हाट, कि जो इनर है, इनर तो ऑटोमेटिकली नो हो गया, मैंने अभी पहले भी बताया आपको, तो यहाँ पे उसने क्या कहा, ब्रांच और ट्री की बात हो रही है, ब्रांच कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है जी, ट्री कहाँ पे है, यहाँ पे, जब आउटर के बीच में नो का रिलेशन है, दैट मीन्स कि जो इनर सर्कल है उनका भी नो का ही रिलेशन रहेगा, और ये क्या कह रहा है कि सम ब्रांचेज आर ट्री, दैट मीन्स कि पॉजिटिव रिलेशन कह रहा है, दैट मीन्स क्या हो गया आपके पास, रोंग हो गया, क्लियर। उसके बाद क्या कह रहा है, नो फ्रूट इज ट्री, नो फ्रूट इज ट्री, अब फ्रूट है ये, ठीक है, और ये ट्री है, अब सीधी सी बात है, जब फ्लावर ट्री और फ्रूट, नो फ्लावर इज फ्रूट, दैट मींस कि नो ट्री इज फ्रूट, ओके, तो ये अपना क्या हो गया, सही हो गया, नो ट्री इज ब्रांच, अब ये ट्री है और ये ब्रांच है, जब हमें पता है फ्लावर और फ्रूट का नो का रिलेशन है, दैट मींस कि ट्री और ब्रांच क्या हो गया, वो भी नो ही रहेगा, तो ये भी क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। तो क्या आ जाएगा, सेकंड एंड थर्ड फॉलो, सेकंड एंड थर्ड आ रहा है बेटा आपका सी के अंदर, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी क्लियर है सभी को, कोई किसी को डाउट आ रहा हो, बिल्कुल क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें फिर। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखें क्या है, ऑल मैंगोज आर गोल्डन इन कलर, गोल्डन इन कलर, अब यहां पे एक बात का ध्यान रखना कि एक बार कंफ्यूज करने के लिए आपके एग्जाम के अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं कि आपको ये लगता है कि हाँ जी ये वेरिएबल नहीं बन रहा है, या फिर ये तो कहीं ना कहीं सही है, या हम रियल लाइफ के साथ में उसको जोड़ लेते हैं,
तो वो नहीं करना है। सिलोजियम के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उसको आपने फैक्ट कंसिडर करके चलना है। जैसे यहाँ पे है ऑल मैंगोज आर गोल्डन इन कलर, ये गोल्डन कलर के कह रहा है ये, ठीक है, गोल्डन इन कलर एक अलग से वेरिएबल होगा। नो गोल्डन कलर्ड थिंग आर चीप, अब पहला ऑल मैंगोज आर चीप क्या कह रहा है, ऑल मैंगोज आर चीप। अब मैंगो है वो तो गोल्डन कलर का, उसने क्या कहा सारे की कोई भी गोल्डन कलर की चीज चीप नहीं है, दैट मींस कि मैंगो भी चीप नहीं है, मैंगो भी चीप नहीं है, और ये क्या कह रहा है ऑल मैंगोज आर चीप, तो क्या हो गया आपके पास में रोंग हो गया, डन। दूसरा देखो क्या है, गोल्डन कलर्ड मैंगोज आर नॉट चीप, कह रहा है गोल्डन कलर के जो मैंगो है, अब ये जो मैंगो है ये गोल्डन कलर के और ये चीप नहीं है, दैट मीन्स कि ये क्या हो गया आपके पास में ट्रू। सो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, डन। हाँ जी, समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे, सभी के सभी शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, सभी लाइक करेंगे, जो न्यू यूजर है चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे सभी, हाँ जी जो न्यू यूजर है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, नो वुमेन टीचर कैन प्ले, अब देखो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन के लिए आपने देखना है कि क्या गिवन है, कह रहा है नो वुमेन टीचर, वुमेन टीचर कैन प्ले। अब यहाँ पे आपने ये मान के चलो कि ये सिंपल क्या है, एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको ये लेकर चलो कि भाई ये प्ले एक वेरिएबल है, डन। अब साथ में क्या कह रहे, सम वुमेन टीचर आर एथलीट, सम वुमेन टीचर्स आर एथलीट, डन। क्या है, मेल एथलीट्स कैन प्ले, अब हमारे माइंड में कहीं ना कहीं ये आएगा कि हाँ भाई मैन, हम इसको रियल लाइफ के साथ में जोड़ लेंगे, बट जोड़ना नहीं, अगर हम रियल लाइफ के साथ में इसको अटैच कर लेते इन दैट केस तो ये दोनों ही कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है, तो यहीं पे मीन्स हम क्या कहेंगे, स्टेटमेंट ही रॉन्ग है भाई, जब वो प्ले यहाँ पे कह दिया उसने कि नो वुमेन टीचर कैन प्ले, तो उसके बाद में वो एथलीट कैसे हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं है, आपको इसको बिल्कुल रिलेट नहीं करना है, सिंपल ये देखो कि उसने क्या कहा है कि ये एक वेरिएबल है, यहाँ पे उसने वोमेन टीचर यूज कर दिया, इसकी जगह पे कुछ भी आ सकता था, ठीक है, इवन वो यहाँ पे चेयर भी लिख देता तो भी हम कुछ नहीं कह सकते थे, डन। तो यहाँ पे आपके पास मेल एथलीट्स कैन प्ले कंक्लूजन क्या कह रहा है कि मैं, उसने क्या कहा एथलीट्स कैन प्ले, ठीक है, तो मेल एथलीट तो हमारे पास में कुछ था ही नहीं, मेल क्या है एक अलग से वेरिएबल आ गया, वुमेन एथलीट, ठीक है ना, वुमेन का ये तो वो एक अलग से वेरिएबल, एक ऐसा वेरिएबल है जो हमारे पास में स्टेटमेंट में गिवन नहीं है। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जिसके अंदर जो वेरिएबल यूज हो रहा है कंक्लूजन में वो स्टेटमेंट में नहीं है, तो डायरेक्टली उसको रोंग कर दो, कुछ भी नहीं सोचना आपने, ठीक है, डायरेक्टली हम क्या कर देंगे उसको रोंग कर देंगे कि भाई ये तो रोंग है, डन। दूसरा क्या है, सम एथलीट्स कैन प्ले, सम एथलीट्स कैन प्ले, अब ये एथलीट है, ठीक है, और ये प्ले है, ये एथलीट है और यहाँ पे ये हमारे पास में प्ले है, तो अब ये देखो उसने क्या कहा है कि ये प्ले नहीं कर सकते, दैट मीन्स कि ये वाला जो पार्ट है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, देखो ये वाला जो पार्ट है इसके लिए तो नो का रिलेशन बन गया कि भाई नो का रिलेशन, बट इस पार्ट के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हाँ भी वो प्ले कर सकते हैं या नहीं, दे कैन प्ले और नॉट, है ना, तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे कि इसको भी रॉन्ग करोगे, तो क्या करेंगे हम, दोनों के दोनों रॉन्ग हो गए, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, नीदर वन टू फॉलोज, डन। कोई इसमें डाउट आ रहा हो, नेक्स्ट देखिए, सो स्टूडेंट्स आज के क्लास के अंदर इतना ही डिस्कस करेंगे, द स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर ए क्रैश कोर्स दे कैन ज्वाइन द क्रैश कोर्स, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, एंड द स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर ए टेस्ट सीरीज दे कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेस्ट सीरीज, बोथ लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। और कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा सा कन्फ्यूज हैं कि मैम क्रैश कोर्स लें या फिर कम्प्लीट कोर्स लें, तो देखिए जो 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए क्रैश कोर्स बेटर है, ठीक है ना,
जो 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं दे कैन टेक फुल कोर्स। ओके, दोनों के दोनों अवेलेबल है, फुल कोर्स क्रैश कोर्स। अभी क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है कि आपके पास कम टाइम है, लिमिटेड टाइम के अंदर आप कैसे प्रिपेयर करोगे वो भी अवेलेबल है, यू कैन ज्वाइन। और दूसरा आपके पास टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, सभी के सभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो इट वॉज ऑल फॉर टूडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, यू कैन फॉलो दीज लिंक्स, दीज ऑल लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, थैंक यू।